सो हेलो गाइस, अगर आपके मोबाइल पर भी कॉल आ रहा है, कॉल आते टाइम आपका रिंगटोन नहीं बज रहा है, ना ही आप अपना मोबाइल साइलेंट मोड में रखे हो और ना ही वाइब्रेशन मोड में, आपका मोबाइल नॉर्मल मोड में है तब भी कॉल आ रहा है बट आपका रिंगटोन नहीं बज रहा है, इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करोगे? आज की इस वीडियो में मैं पूरी डीपली और डिटेल में बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हो। तो ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इसे आप खुद अपने मोबाइल में सॉल्व कर सकते हो, बस आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। तो इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के सेटिंग को ओपन कर लेना है। मोबाइल का सेटिंग ओपन करने के बाद स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे आओगे तो आपको यहाँ साउंड एंड वाइब्रेशन का सेटिंग देखने को मिलेगा। सिंपली साउंड एंड वाइब्रेशन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप साउंड एंड वाइब्रेशन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ग्राफ वाइज तीन सेटिंग देखने को मिलेगा, मीडिया, रिंगटोन एंड अलार्म। तो सबसे पहले आपको देख लेना है कि ये ग्राफ कहीं कम तो नहीं है। अगर आपके मोबाइल के सेटिंग के ये तीनों ग्राफ कम है तो सबसे पहले आपको इन ग्राफ्स को फुल कर लेना है। जैसा कि अभी ये जो ग्राफ मैंने बढ़ाया ये मीडिया का ग्राफ है, ये तब काम करता है जब हम अपने मोबाइल में कोई ऑडियो या वीडियो प्ले करते हैं। एंड यहाँ पर जो दूसरा ग्राफ देखने को मिल रहा है ये हमारे फोन कॉल का है जिसपे रिंगटोन लिखा है। ये ग्राफ तभी काम करता है जब हमारे मोबाइल पर कोई कॉल आता है, तो आपको इस ग्राफ को भी फुल कर लेना है। एंड नीचे अलार्म का ग्राफ है, इसे भी आपको फुल कर लेना है। एंड यहाँ से थोड़ा नीचे आओगे तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा डू नॉट डिस्टर्ब, ये भी देख लेना। अगर डू नॉट डिस्टर्ब वाला सेटिंग ऑन हो तो सबसे पहले आपको इसे ऑफ कर लेना है। इसे ऑफ करने का दूसरा तरीका ये है कि आपको अपने नोटिफिकेशन बार को नीचे खींचना है। एंड यहाँ पर आपको डू नॉट डिस्टर्ब वाला सेटिंग देखने को मिल जाएगा, सिंपली इस पर क्लिक करके इसे ऑन ऑफ कर सकते हो। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये सेटिंग भी ऑफ होना चाहिए। एंड दूसरा चीज़ जो आपको ध्यान देना है वो आपको अपने मोबाइल का टोन चेंज कर देना है अभी के टाइम पर। तो इसके लिए आपको इस वाले रिंगटोन पर क्लिक करना है। तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा, यहाँ मेरा डेटा ऑन है इसलिए इस तरह का पेज ऑन हुआ, नहीं तो यहाँ दूसरा पेज दिखाता है जब डेटा ऑफ रहता है। तो यहाँ पर रिंगटोन सेट करने के दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, पहला चूज लोकल रिंगटोन। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपको अपना फाइल मैनेजर देखने को मिलेगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आप अपने फाइल मैनेजर में जितने भी सॉन्ग डाउनलोड करके रखे होगे या रिंगटोन डाउनलोड करके रखे होगे उसे आप यहां से सेव कर सकते हो। यहां पर जो दूसरा रिंगटोन का ऑप्शन शो हो रहा है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे फिर आपको रिंगटोन पर क्लिक करना होगा। तो इसके अंदर जितने भी रिंगटोन आपको देखने को मिलेंगे ये सभी इस मोबाइल में पहले से दिए रहते हैं। तो अगर आप इनमें से कोई रिंगटोन सेव करना चाहते हो तो यहां से भी क्लिक करके सेव कर लेना। एंड सेव करने के बाद आप लोगों को बैक आना है, बैक होके अपने सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद फिर से अपना सेटिंग स्क्रॉल करके नीचे आना है। एंड यहाँ पर आपको एप्स लिखा हुआ देखने को मिलेगा, सिंपली एप्स वाले सेटिंग पर क्लिक करके इसे ओपन कर लेना है। एंड इसके अंदर आपको मैनेज ऐप देखने को मिलेगा, सिंपली मैनेज ऐप पर क्लिक करना है। एंड इसके बाद जितने भी ऐप इस मोबाइल में रहेंगे वो सभी ऐप यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो इसमें आपको अपने मोबाइल के सेटिंग वाले ऐप को खोज लेना है। तो चलिए हम अपने मोबाइल का सेटिंग वाला ऐप खोज लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मेरे मोबाइल का सेटिंग वाला ऐप देखने को मिल गया, सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आप लोगों को इसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगा। एंड इसके अंदर आपको स्टोरेज लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा, सिंपली स्टोरेज पर क्लिक करना है। एंड इसके अंदर आपको क्लियर कैचे एंड क्लियर डाटा देखने को मिल जाएगा। अगर यहाँ पर नहीं दिखता है तो आपको इस तरह का ऑप्शन देखने को मिलेगा नीचे, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लियर कैचे एंड क्लियर ऑल डाटा का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आपको क्लियर कैचे पर क्लिक करना है एंड ओके करना है। फिर आप लोगों को इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड इसका डाटा क्लियर करने के लिए फिर से आपको ओके पर क्लिक करना है। एंड यहाँ पर आपका काम हो गया। अब आप किसी दूसरे मोबाइल से अपने मोबाइल पर कॉल करके देख लो, आपके मोबाइल का रिंगटोन 100% बजेगा। तो गाइस ये था हमारा आज का वीडियो, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।